स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल हमने मुंह के बारे में, टीथ के बारे में अध्ययन किया था, यानी जो पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला पार्ट माउथ है, माउथ में हमने कल टीथ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फेरेंक्स, ईसोफेगस और टॉन्सिल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम फेरेंक्स यानी ग्रसनी के बारे में, तो ग्रसनी जो है मुख गुहा के पीछे के पोर्शन में, पीछे के और कीप के समान एक चौड़ा भाग होता है, कीप के समान चौड़ा भाग है जिसे ग्रसनी कहलाता है। ये ग्रसनी जो है यानी फेरेंक्स, ये भोजन एवं श्वास दोनों को क्रियाओं के लिए एक ही रास्ता है, यानी यहीं से भोजन जो है वो पास होता है अंदर की साइड में, और यहीं से सांस जो है वो अंदर की साइड में ट्रेकिया में होता हुआ फेफड़ों में जाता है, और यहीं से फेरेंक्स से भोजन जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाता है। यानी ये सांस और भोजन का कॉमन पैसेज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो पैसेज है यानी फेरेंक्स है, फेरेंक्स जिसे ग्रसनी बोलते हैं, ये इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यानी श्लेष्मिक झिल्ली जो है उसके द्वारा मांसपेशियों से बना होता है। यानी फेरेंक्स की जो आंतरिक संरचना है अंदर के साइड जो है वो श्लेष्मिक झिल्ली जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन और मांसपेशी का बना होता है। जो फेरेंक्स यानी ग्रसनी है उसमें सात छिद्र होते हैं, सात छेद होते हैं, उसमें दो छेद नाक के लिए होते हैं, दो नाक होते हैं, इसलिए दो छेद नाक के हैं उसमें, दो कान के यानी यूस्टेचियन ट्यूब जो है, यूस्टेचियन ट्यूब उनके लिए दो छेद है, और एक मुंह का छेद है, और एक लेरिंक्स का है, स्वरयंत्र जिसे बोलते हैं लेरिंक्स उसका एक छेद है, और एक ग्रास नली यानी ईसोफेगस के लिए छेद है। तो एक फेरेंक्स में सात छेद होते हैं, याद रखने वाला है ये कि सात छेद कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ के लिए हैं। अच्छा, जो शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा जो अपने सांस लेते हैं वो नेजल केविटी यानी नासा छिद्र से, नाक से होता हुआ ग्रसनी के द्वारा यानी फेरेंक्स के द्वारा लेरिंक्स में पहुंचता है। लेरिंक्स मतलब क्या है कि ये इससे लेरिंक्स, आपने एनाटॉमी में अभी आप अध्ययन करोगे या डायग्राम जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लेरिंक्स जो है वो हवा को फेफड़ों में जाने के लिए नियंत्रित करता है, उसको हवा को आने जाने को नियंत्रित करता है, साथ में आवाज़ के लिए भी ये लेरिंक्स काम करता है। आवाज़ बीसी से लेरिंक्स पैदा होती है। इस लेरिंक्स यानी ग्रसनी के तीन भाग होते हैं, एक होता है तीन भाग कौन से, एक होता है नेजोफेरिंक्स यानी नासा ग्रसनी, एक होता है मुख ग्रसनी जिसे बोलते हैं ओरोफेरिंक्स, और एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स यानी स्वरयंत्र ग्रसनी। स्वरयंत्र का मतलब लेरिंक्स है, तो ये तीन इसके भाग होते हैं फेरेंक्स के। अब इसको समझने वाली बात है कि भोजन जो है, जब पशु भोजन ग्रहण करता है उसके बाद भोजन मुंह से होता हुआ ग्रसनी में प्रवेश करता है यानी फेरेंक्स में प्रवेश करता है, उस समय एपिग्लोटिस ये एक पत्ते की आकृति की तरह मतलब के गले में पाई जाती है, पत्ते की आकृति की पर्ण की आकृति की एपिग्लोटिस है जो भोजन करते समय और सांस लेते समय उसको नियंत्रित करता है। यानी जब पशु जो है मुंह से भोजन लेता है और वो जब फेरेंक्स में प्रवेश करता है उस समय एपिग्लोटिस जो है वो लेरिंक्स के मुंह को बंद कर देता है, लेरिंक्स स्वरयंत्र के मुंह को बंद कर देता है एपिग्लोटिस, और भोजन जो है वो फेरेंजियल मसल्स के संकुचन से यानी ग्रसिका नली का जो मसल्स है उनके संकुचन से भोजन जो सीधा ग्रसिका में
धकेल दिया जाता है। यानी अगर एपिग्लोटिस ये आपका एपिग्लोटिस नहीं हो तो भोजन जो है वो श्वास नली में चला जाएगा, इसलिए भोजन श्वास नली में नहीं जाए इसलिए एपिग्लोटिस द्वारा श्वास नली को लेरिक्स के पास में बंद कर देते हैं उसको जब भोजन जा रहा होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि भोजन के लिए फेरिक्स ही एक रास्ता, जब जहाँ पे फेरिक्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे भोजन नली और श्वास नली दोनों क्रॉस करती है, यानी भोजन नली और श्वास नली दोनों क्रॉस करती है। अब जो फेरिक्स में यूस्टेचियन ट्यूब है, कान की यूस्टेचियन ट्यूब के मध्य कर्ण तक पहुँच कर, यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो मिडल कान तक पहुँच कर हवा का आदान प्रदान करती है, यानी फेरिक्स में यूस्टेचियन ट्यूब मध्यम कर्ण तक पहुँच कर हवा का आदान प्रदान करती है, जिससे कर्ण में यानी कान में दोनों साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं एक समान दबाव बना रहता है, एक समान दबाव बना रहता है। ग्रसनी यानी जो फेरिक्स है उसका अधिकतर भाग जो है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है, यानी जो ग्रसनी जिसे फेरिक्स बोलते हैं उसका ज़्यादातर भाग जो है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, ये आपको एपिथेलियम के बारे में पहले पढ़ाया था मैंने, मतलब जो टिश्यू के बारे में उसमें ये एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ाया, तो इसमें ग्रसनी का अधिकतर भाग जो है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें एपिथेलियम ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ एपिथेलियम पाई जाती है, मिक्स्ड ग्लैंड एपिथेलियम यानी मिक्स्ड ग्लैंड जो एपिथेलियम की वो पाई जाती है। फेरेक्स का जो ओरल भाग है यानी फेरल का जो ओरल भाग है फेरेक्स का जो मुंह की साइड में है अंदर की साइड मुंह की तरफ वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है फेरेक्स का ओरल भाग और उसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो ये मतलब आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है। घोड़े के जो फेरेक्स में डोर्सल वाल में यानी जो घोड़े का फेरेक्स होता है उसका डोर्सल वाल ऊपर वाला जो वाल है डोर्सल ऊपर वाली वाल उसमें एक थैलेनुमा आकृति होती है, थैलेनुमा आकृति होती है जिसे फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। घोड़े के फेरेक्स में डोर्सल साइड में एक थैलेनुमा आकृति होती है जिसे फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं या अथवा गटरल पोच बोलते हैं उसको, गटरल पोच इसका नाम है या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। तो ये इसका ध्यान क्या रखना चाहिए, जब स्टोमक ट्यूब को पास करते हैं स्टोमक ट्यूब को दवाई देने के लिए पास करते हैं मुँह में से तो इस गटरल पाउच को बचाना चाहिए, यानी वो स्टोमक ट्यूब इस गटरल पाउच में नहीं जानी चाहिए। अब इसका ये हो गया फेरिंग्स के बारे में ग्रसनी, अब आती है ग्रास नली, फेरिंग्स के बाद में आता है ग्रास नली या जिसे अपने इसोफेगस बोलते हैं, ये ग्रसी का भी कहते हैं इसको और निगल नली भी कहते हैं। निगल नली का मतलब है भोजन इससे पेट में जाता है। पशु में ग्रसनी जो है यानी ग्रास नली जो है ये फेरिंग्स से लेकर आमाशय के बीच में एक नली होती है, यानी फेरिंग्स से लेके आमाशय पेट के बीच में एक नली होती है जिसे ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं। ये फेरिंग्स से स्टोमच के यानी ये नली जो है इसोफेगस ये फेरिंग्स ग्रसिका से लेके और स्टोमक के कार्डियक एंड तक, कार्डियक एंड जो है ना स्टोमक का जो हार्ट की तरफ एंड होता है उस कार्डियक एंड बोलते हैं, तो ये नली का जो है इसोफेगस फेरिंग्स से लेके स्टोमक के कार्डियक एंड तक होती है। इसोफेगस नली का जो है ये ट्रेकिया के ठीक ऊपर होती है, यानी ट्रेकिया जो है श्वास नली जो है वो इसोफेगस के नीचे स्थित होती है और इसोफेगस जो है वो ट्रेकिया के ऊपर स्थित होती है।
और जब बाद में क्या है कि ट्रेकिया वो इसोफेगस जो है वो श्वास नलिका के यानी ट्रेकिया के डोर्सल साइड से यानी ऊपर की साइड से नीचे की ओर झुकती हुई वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है, थोरेक्स में प्रवेश कर जाती है, थोरेक्स की कैविटी जो है उसमें प्रवेश कर जाती है। यहाँ डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम का जो हाइटस इसोफेगस पार्ट जो है डायफ्राम का, उससे होती हुई स्टोमक के कार्डियक एंड से इसोफेगस जुड़ जाता है। अब गोवंश में, केटल में, बुफेलो में इसकी लंबाई जो है इसोफेगस की, इसोफेगस यानी ग्रसिका या ग्रास नली, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। 90 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो सर्वाइकल पार्ट यानी जो गर्दन में जो पार्ट है इसोफेगस का वो 40 सेंटीमीटर लंबा है, और जो थोरेसिक पार्ट है यानी थोरेसिक कैविटी में जो भाग है इसोफेगस का वो 50 सेंटीमीटर है ना, यानी सर्वाइकल पार्ट छोटा होता है और थोरेसिक पार्ट जो है कैविटी, थोरेसिक कैविटी में जो पार्ट है वो लंबा होता है, यानी 40 प्लस 50 सेंटीमीटर, कुल मिला के 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। घोड़े में इसोफेगस जो है गाय के इसोफेगस से लंबा होता है, यानी ये करीब 140 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसमें 90 सेंटीमीटर था, इसमें 140 सेंटीमीटर लंबा होता है घोड़े में। इसके तीन भाग होते हैं, घोड़े में इसके तीन भाग हैं। सर्वाइकल भाग जो गले में होता है वो 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद में थोरेसिक कैविटी में जो भाग है वो है 63 सेंटीमीटर लंबा, लगभग 63 सेंटीमीटर लंबा। और फिर जाता है वो थोरेक्स के बाद में उदरीय भाग, फिर मतलब क्या पेट में चला जाता है, वो पेट में मतलब पेट जिसे बोलते हैं उसमें जो भाग है वो होता है 2 सेंटीमीटर लंबा। तो ये क्या है कि जो केटल में इसोफेगस है वो सिर्फ सर्वाइकल और थोरेसिक में ही होता है, उदर में उदरीय भाग में इसोफेगस केटल में नहीं होता है, वो थोरेक्स में ही ख़त्म हो जाता है, थोरेक्स में ही स्टोमक के जो है ना कार्डियक एंड में जुड़ता है। लेकिन घोड़े में ये उधर तक पहुंचता है, पेट तक, मतलब जिसे अपने पेट बोलते हैं गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें पहुंच जाता है। तो इसके तीन भाग हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। अब इनकी लंबाई जो है वो सर्वाइकल में कितनी है, थोरेसिक में कितनी है, एब्डोमिनल में कितनी है, इसको आपको याद करना है। कुत्ते जो है, कुत्ते में जो इसोफेगस है वो नस्ल के अनुसार अलग अलग उसकी लंबाई होती है, नस्ल के अनुसार है, कुछ नस्ल कुत्तों की बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, तो उसी अनुसार जो है ना इसकी लंबाई जो है अलग अलग होती है। सूअर में इसोफेगस छोटा और चौड़ा और सीधा होता है, यानी सूअर में इसोफेगस जो है वो एक छोटा होगा लंबाई में और चौड़ा होगा और सीधा होगा। मुर्गे में, पोल्ट्री में इसका सर्वाइकल भाग जो है ना, सर्वाइकल भाग का मतलब है जो गर्दन में भाग है वो वक्ष में यानी थोरेक्स में प्रवेश करने से पहले फूला हुआ होता है, यानी डायलेटेड होता है, फूला हुआ होता है, उसको क्रोप बोलते हैं, CROP क्रोप बोलते हैं। और इसोफेगस का उदरीय भाग यानी पेट में जो भाग होता है वो प्रोवेंट्रिकुलस में खुलता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है प्रोवेंट्रिकुलस, उसमें ये उदरीय भाग खुलता है। अब ये तो हो गया इसोफेगस के बारे में, इसोफेगस यानी ग्रास नली के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे टोन्सिल्स। टोन्सिल आपने ह्यूमन बीइंग में देखा होगा, टोन्सिल्स जो है सर्दियों में जब लोगों की खांसी वगैरह होती है टोन्सिल बढ़ जाते हैं, टोन्सिलाइटिस हो जाती है, टोन्सिल लोग आम भाषा में बोलते हैं जी टोन्सिल बढ़ गए, तो वो टोन्सिल जो है ये लिम्फ टिश्यू के गुच्छे के रूप में होते हैं, लिम्फ टिश्यू के गुच्छे हैं ये, एक प्रकार के लिम्फ टिश्यू जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आगे जाने से चेक करते हैं, वो होता है लिम्फेटिक टिश्यू। और इनका जो नामकरण है, मतलब टोन्सिल्स का नामकरण है, वो इनकी स्थिति के अनुसार होता है, जैसे कहाँ पाए जाते हैं उसी साथ इनका नामकरण है। तो टोन्सिल जो है पैलेटाइन टोन्सिल, एक नाम है पैलेटाइन टोन्सिल, ये कुत्ते एवं मनुष्य में यानी डॉग में और ह्यूमन बींग में एक जोड़ी अंडाकार होते हैं, ये अंडाकार होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं यानी दो होते हैं आप संख्या में। और फेरिंग्स की लेटरल वाल यानी फेरिंग्स जो है ग्रसनी जो है उसके लेटरल वाल में पाए जाते हैं, लेटरल वाइड साइड की जो दीवार है उसमें पाए जाते हैं।
जो सॉफ्ट पैलेट के वेंट्रल में, यानी सॉफ्ट पैलेट जिसे बोलते हैं, उसके नीचे की साइड में, वेंट्रल में, तथा जीभ के आधार के लेटरल में, यानी जीभ का जो आधार है उसके लेटरल में, ये इसकी पोजीशन है कि सॉफ्ट पैलेट के लेटर वेंट्रल साइड में और जीभ के आधार के लेटरल साइड में स्थित होता है। फिर होता है लिंगुअल टोंसिल। लिंगुअल टोंसिल ये गाय, घोड़े और सूअर में, गाय घोड़े और सूअर में काफ़ी विकसित होते हैं, तथा ये जीभ के आधार पर लिम्फोइड टिश्यू के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ये जीभ के जो आधार है, बेस है जीभ का, जहाँ जुड़ती है जीभ, वहाँ जो है ये लिम्फोइड टिश्यू के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। एक होता है फेरेंजियल टिश्यू। फेरेंजियल टिश्यू ये गाय तथा सभी पालतू पशुओं की फेरेंजियल वाल, फेरेक्स की जो वाल है, उसकी डोर्सल सब म्यूकोजा में पाए जाते हैं। उसके डोर्सल ऊपर की साइड की जो सब म्यूकोजा है उसमें ये पाया जाता है। ये इनका टोंसिल्स जो है, इसकी परिभाषा है कि लिम्फ टिश्यू के गुच्छे के रूप में होते हैं। ये लिम्फ टिश्यू के गुच्छे के रूप में, और ये अपने जहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पर इनका नामकरण है। तीन प्रकार के होते हैं, और ये अपने आपको बताया कि क्या क्या है। तो आज हमने फेरेंक्स, इसोफेगस और टोंसिल्स के बारे में अध्ययन किया। कल से हम जो है स्टोमक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।